नमस्कार दोस्तों, पश्चिम बंगाल के फ्रंट से बड़ी खबर आ गई है और इस खबर का सब लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। इंतज़ार इसलिए नहीं था कि ममता बनर्जी इस बार चुनाव कहां से लड़ने वाली हैं, सवाल ये था कि ममता बनर्जी बीजेपी का जो हमला उन पर चल रहा है पिछले कुछ समय से, उसको किस तरीके से काउंटर करने वाली हैं। ये बहुत बड़ा सवाल था। आपको पता ही होगा कि पिछले 3-4 महीनों में बीजेपी ने ममता बनर्जी पर ज़बरदस्त प्रहार किए हैं और केंद्र और राज्य सरकार का टकराव लगभग एक साल से, कोरोना काल से ही लगातार चल रहा है। इसके अलावा बीजेपी ने लगातार ममता बनर्जी की पार्टी को तोड़ने की कोशिश की है और कई हद तक बीजेपी अपने मकसद में सफल भी रही है। शुभेंदु अधिकारी, जो कि नंदीग्राम इलाके के विधायक थे टीएमसी के और परिवहन मंत्री थे ममता बनर्जी की सरकार में, उन्हें तोड़ लिया था बीजेपी ने। और बीजेपी का मानना था कि इसकी वजह से बीजेपी मिदनापुर का जो इलाका है, लगभग 30-40 जो विधानसभा सीटें हैं साउथ बंगाल की, वहाँ पर अच्छा खासा प्रभाव अपना छोड़ने में सफल रहेगी। और शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी अपना एक बहुत बड़ा दांव समझ रही है कि हमने बीजेपी में एक बड़ी मछली हमने फंसाई है और उसके बल पर हम ममता बनर्जी को घेर सकते हैं। लेकिन इसको काउंटर करने के लिए ममता बनर्जी ने जो ऐलान किया है, वो अब बीजेपी को सोचने पर मजबूर करने वाला है। ममता बनर्जी ने सोमवार को, यानी कि आज, ये ऐलान किया कि वो नंदीग्राम से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी और ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है। नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी विधायक हैं और शुभेंदु अधिकारी लगातार ममता बनर्जी को चैलेंज कर रहे हैं। बीजेपी वाले तो ये भी कहने लगे थे कि अगर सरकार बनेगी बीजेपी की तो शुभेंदु अधिकारी को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। इस तरीके से सारा माहौल एकदम गरमाया हुआ है और ऐसे में ममता बनर्जी ने उसमें अपनी तरफ से आहुति डाल दी है और साफ कर दिया है कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। नंदीग्राम का और ममता बनर्जी का ताल्लुक नया नहीं है। इसकी अगर हम हिस्ट्री में जाएं, वैसे फ़िलहाल वो भवानीपुर से विधायक हैं, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि ममता बनर्जी शायद दोनों सीटों से चुनाव लड़ेंगी और ऐसी स्थिति में सबसे अजीबोगरीब स्थिति होगी शुभेंदु अधिकारी की। वो कैसे, मैं आगे बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस स्थान की जो वैल्यू है वो क्या है। नंदीग्राम के तेखाली में एक रैली आयोजित की ममता बनर्जी ने आज, और उसमें उन्होंने कहा कि नंदीग्राम मेरे लिए लकी रहा है, मैंने यहाँ पहले प्रत्याशी का ऐलान किया था, मैं सोच रही थी कि क्यों ना इस बार मैं ही नंदीग्राम से चुनाव लड़ूं। और भले ही ममता बनर्जी 18 जनवरी को, यानी कि आज, नंदीग्राम में 5 साल बाद पहुंची हैं, लेकिन उन्हें अपने पुराने समय को रिकॉल कराया और उन्होंने कहा कि मैं वो समय नहीं भूल सकती जब हमने यहाँ पर आंदोलन किया था 2007 में। आपको याद होगा कि यहाँ भू अधिग्रहण के खिलाफ जो यहाँ की वाम सरकार थी, वो यहाँ पर केमिकल हब बनाना चाहती थी और उसके खिलाफ किसानों ने आंदोलन किया था कि यहाँ पर जबरन भू अधिग्रहण किया जा रहा है, यहाँ पर अगर केमिकल हब बनेगा तो खेती और किसानी यहाँ पर ख़राब हो जाएगी। तो किसान नहीं चाहते थे कि यहाँ पर ज़मीन का अधिग्रहण हो। और ममता बनर्जी ने एक बड़ा आंदोलन किया था, जिस तरीके से टाटा नैनो की जो फैक्ट्री है सिंगूर से हटाने के लिए उन्होंने बड़ा आंदोलन किया था, उसी तरीके से 2007 में नंदीग्राम में बड़ा आंदोलन हुआ था। और यहाँ पर फिर जब बड़ा घटना हुई थी, पुलिस फायरिंग हुई थी, 14 लोग मारे गए थे, किसान लोग मारे गए थे, और ममता बनर्जी उनकी याद में अक्सर हर साल एक सालाना कार्यक्रम भी आयोजित करती हैं नंदीग्राम में। तो इस बार वो स्थगित कर दिया गया कोरोना काल की वजह से, और इस बात को शुभेंदु अधिकारी ने इशू भी बनाया था कि ममता बनर्जी अब नंदीग्राम के शहीदों को भूल गई हैं। लेकिन ममता बनर्जी भूली नहीं है और उन्होंने जो अब स्ट्रेटजी तैयार की है, उससे ये लग रहा है कि उन्होंने अब ये तय कर लिया है कि कब तक मैं बाउंसर को डक करती रहूँगी, अब हुक शॉट खेलने पड़ेंगे वरना उसके आपके विकेट उड़ते चले जाएंगे एक के बाद एक। और अभी चुनाव की तिथि डिक्लेयर नहीं हुई है, चुनावों का कार्यक्रम नहीं आया है, अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी ममता बनर्जी का ये कह देना कि मैं कहाँ से चुनाव लड़ रही हूँ, नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही हूँ, एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक उनका मूव है। और इसके बाद अब टीएमसी में जो मूवमेंट चल रहा है पिछले काफ़ी समय से, मेन मूवमेंट ये चल रहा है कि लोगों में नाराज़गी है, टीएमसी के नेताओं में नाराज़गी है, विधायकों में, सांसदों में नाराज़गी है। इस पर मैंने कई वीडियोस बनाए हैं। शताब्दी राय नाराज़ हो गई थी, शुभेंदु अधिकारी नाराज़ होकर चले गए, राजीव बनर्जी वन मंत्री हैं वो नाराज़ बैठे हुए हैं,
और वैशाली डालमिया नाराज हैं, लक्ष्मी रतन शुक्ला मंत्री थे, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, वो छोड़कर चले गए हैं और वो सुनने में आ रहा है बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो ममता बनर्जी को ये लग रहा था कि अब बहुत समय तक वो अपने शेल में नहीं रह सकती, अब उन्हें बाहर आना होगा, और उन्हें अगर बाहर आना है तो निश्चित रूप से पहले खुद फ्रंट पर लड़ाई लड़नी होगी, और इसी वजह से शायद उन्होंने सबसे पहला ये मूव चला है कि इस बार उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। ये अभी स्पष्ट नहीं है कि वो भवानीपुर से भी चुनाव लड़ेंगी या नंदीग्राम से भी या फिर दोनों जगह से चुनाव लड़ेंगी। अभी तक जो सूचनाएं हैं, जो संकेत मिल रहे हैं, उसके आधार पर यही कहा जा सकता है कि शायद वो दोनों जगह से चुनाव लड़ेंगी। इसके पीछे लोग कुछ प्रशांत किशोर का जो मास्टरमाइंड उनके साथ काम कर रहा है उसे भी योगदान दे रहे हैं लोग। लोगों का मानना है, राजनीति के जानकारों का मानना है कि प्रशांत किशोर ने भी उन्हें सलाह दी होगी कि शुभेंदु अधिकारी के लिए अगर स्थिति अनईज करनी है, उनके मुश्किलें पैदा करनी है, तो उन्हें चैलेंज किया जाए। और शुभेंदु अधिकारी को चैलेंज करने के लिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से बड़ा नाम कोई और नहीं हो सकता था। आप सब जानते हैं कि टीएमसी के गठन में शिशिर अधिकारी, जो शुभेंदु के पिता हैं, उनका कितना बड़ा योगदान है। पूरा अधिकारी परिवार टीएमसी से लंबे समय से जुड़ा रहा है। शुभेंदु का चले जाना और फिर उसके बाद बीजेपी में शामिल हो जाना और फिर बार बार ममता को चैलेंज करना, ये सब चीज़ें ये दिखा रहा था कि अधिकारी परिवार के दबाव में आ रही है ममता बनर्जी। और वो ये भी नहीं दिखाना चाहती थी ममता बनर्जी कि मैं इनके दबाव में नहीं हूँ और मेरा अपना एक तरीका है चुनाव लड़ने का, अपनी स्ट्रेटेजी है, और उसी को आगे बढ़ाते हुए ममता बनर्जी ने ये ऐलान किया है कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल इसके लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये होने वाली है कि अब शुभेंदु अधिकारी क्या करेंगे। शुभेंदु अधिकारी के लिए मैं मुश्किल स्थिति इसलिए मान रहा हूँ कि अगर शुभेंदु अधिकारी ने अभी चुनाव नहीं लड़ा ममता बनर्जी के सामने, तो लोग उन्हें कहेंगे, सीट बदली उन्होंने तो वो लोग उन्हें कहेंगे, देखिए ममता बनर्जी से शुभेंदु डर गए। तो दूसरी जगह से भी अगर वो चुनाव लड़ेंगे शुभेंदु अधिकारी, तो लोग कहेंगे कि यार उन्हें ममता बनर्जी से हार का डर सता रहा है, इसलिए दूसरी जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसमें शुभेंदु अधिकारी को फंसा लिया है ममता बनर्जी ने। और ये जो कहानी है बहुत ही खतरनाक होने जा रही है कि नंदीग्राम में क्या होगा। और बहुत से ऐसे नेता हैं जो पार्टी के, वो जो तैयार बैठे थे जाने के लिए, नाराज़गी थी जिनमें, अब ममता बनर्जी के इस तरह के ऐलान के बाद हो सकता है कि वो रुक जाएं, ठहर जाएं, और उन्हें लगे कि हाँ ममता बनर्जी अब शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी का चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं और खुलकर मैदान में आ रही हैं। हो सकता है इसकी पार्टी में भी पॉजिटिव रिएक्शन जाए और बीजेपी में जाने के लिए जो लोग तैयार बैठे हैं वो अब अपने विचार को थोड़ा सा पेंडेंसी में डाल दें कि यार नहीं, ठीक है, अब चुनाव जोरदार होने जा रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। इस पर अभी रिएक्शंस नहीं आए हैं, देखते हैं इस पर शिशिर अधिकारी, शुभेंदु अधिकारी, इनके क्या बयान आते हैं। बहरहाल ये ममता बनर्जी का मास्टर स्ट्रोक है और शुभेंदु अधिकारी के सामने चुनाव लड़ने का ऐलान ये दर्शाता है कि ममता बनर्जी ने कहा है कि शुभेंदु अधिकारी से मैं खुद ही निपटूंगी। इस बारे में बात करते रहेंगे, पश्चिम बंगाल पर हमारी कड़ी नज़र बनी हुई है, आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।